हम आपको कुष्मांडा देवी की कथा सुनाते हैं, प्रेम पूर्वक सुनिए। माँ कुष्मांडा की कहानी, निर्मल पावन जो बखानी, देती ज्ञान जी ऐसी है न्यारी ये कथा, मैया कुष्मांडा की कथा। माँ कुष्मांडा की कहानी, पवन निर्मल जो बखानी, देती ज्ञान जी ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा की कथा ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा की कथा। कुष्मांडा नवरात्रों में चतुर्थ स्थान पर पूजी जाने वाली देवी है। पौराणिक इतिहास के अनुसार ये शक्ति एवं प्रकाश का प्रतीक है। तो आइए ध्यान लगाकर मैया की कथा का श्रवण करते हैं। कुष्मांडा है शक्ति रूपा, ज्योतिर्मय श्री स्वरूपा, जग को जिसने पुंज दिया है, जीवन को जगमग सा किया है। ये भी गिरजा का है रूप, माता गौरी का स्वरूप, बड़ी महान जी ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा की कथा। भक्तों, ग्रंथों के अनुसार सकल पृथ्वी पर जब कुछ भी नहीं था, तब माँ कुष्मांडा का ही रूप प्रकाशित हुआ था। उसी ज्योति के प्रकाश से कुष्मांडा देवी रूपी प्रकाश फूटा। तो आइए सुनिए उस कथा को और धन्य हो जाइए। पृथ्वी पर जब तमस छाया, पुंज रूप ज्योति जी ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा की कथा। मैया का चौथा नवरात्रा, माँ कुष्मांडा की जय हो। मैया का चौथा नवरात्रा, माँ कुष्मांडा की जय हो। भक्तों, उस प्रकाश रूपी पुंज को जो कि दूर गगन पर छाया था, कोई निराकार रूप से देखता था, क्योंकि उसका कोई स्पष्ट आकार निश्चित नहीं हो पाया था। सभी उस प्रकाश पुंज को देखकर हैरान थे। आइए इसका विवरण सुने। उसने तब आकार थपाया, अंडाकार अस्तित्व सिखाया, कुष्मांडा प्रथमे ही जन्मी, पहली मादा जग में आई, जिसने बाद रचा
जगत में प्रथम मादा जो आई वह कुष्मांडा देवी ही कहलाई। कहा जाता है रचनाकार ब्रह्मा एवं अन्य देवताओं को भी जीवन देने वाली देवी कुष्मांडा बनी, लेकिन ये निश्चित नहीं है, केवल मान्यता पर ही आधारित है। इससे जीवन जग में आया, उष्मा पुंज को जग ने पाया, जनमानस ने काया पाई, संवर्धन की बेला आई। सारे देवी देव है आए, जीवन श्रृंखला को बढ़ाए, ये विधान जी ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा की कथा। विष्णु महेश ने तब सृष्टि के संवर्धन को आगे बढ़ाने के लिए नर मादा के युग्म को जन्म की प्रक्रियाओं के लिए आगे बढ़ाया। तभी सृष्टि पर विभिन्न प्रकार के जीवों के उद्गम स्थान निर्वहन आदि का संचरण हुआ। ब्रह्मा रचते विष्णु पालते, शंकर नाश का वेग संभालते, लक्ष्मी शारदा गौरा माता इनकी संगिनी जीवन दाता। सबका संग ये जब हो पाया, सृष्टि तब जीवन को पाया, हुआ निदान जी ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा की कथा। भक्तों, कुष्मांडा देवी का रूप लावण्य अति सुंदर और रूपवान है। इन्हें शक्ति और जुनून की देवी भी कहा जाता है। कुश और उष्मा एवं अंड शब्दों से मिलकर इनका नाम परिपूर्ण हुआ, जो कुष्मांडा देवी का सार्थक नाम कहलाया। जीवन उष्मा जिसने दिया है, ज्योति निराली उत्पन्न की है, ऐसी माँ की देखो शक्ति, मन से कर लो इनकी भक्ति, इनके चरणों का है वंदन, कार्य सारे तुम करवा लो, लगा ध्यान जी ऐसी है न्यारी ये कथा।
कुष्मांडा देवी का वाहन बाघ है। इनकी 8 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में विशेष शस्त्र विराजित है। कार्य के प्रति लगन को सजीव रखना भी यही देवी सिखलाती है। तो आइए भक्तों, माँ की कथा को आगे सुनते हैं। ऊर्जा की देवी है न्यारी, शक्ति से पाओ सारी, प्रेम से कर लो इनका पूजन, तन मन कर लो अपना पावन। जो भी ऐसा नियम निभाता, सारे फल मैया से पाता, हो कल्याण जी। ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा की कथा। मैया का चौथा अनुराधा, माँ कुष्मांडा की जय हो। मैया का चौथा अनुराधा, माँ कुष्मांडा की जय हो। भक्तों, नवरात्रि में रोज की भांति इनका पूजन भी विशेष होता है। हरे रंग का आसन बैठने के लिए बेहतर बताया गया है। इन्हें जल पुष्प चढ़ाना अति उत्तम माना जाता है। प्रत्येक नवरात्रों में कलश स्थापना भी की जाती है। कुमकुम रोली माथे लगाओ, चरणों में जल पुष्प चढ़ाओ, कलश को पूजो, चौकी सजाओ, गंगा जल से चरण धुलाओ, घर में मंगल दीप जलाओ, फूलों से घर को महकाओ, करो शुभ काम जी। ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा कथा। मैया का चौथा अनुराधा, माँ कुष्मांडा की जय हो। मैया का चौथा अनुराधा, माँ कुष्मांडा की जय हो। भक्तों, देवी कुष्मांडा का पूजन करके जल पुष्प करने के बाद अपने एवं अपने स्वजनों के स्वास्थ्य की सुखद कामना करनी चाहिए। कुष्मांडा देवी पूजन से प्रसन्न होकर निश्चित रूप से दुख के दिनों को सुख में परिवर्तित कर देती हैं। यही शाश्वत है। चरणों में नित शीश नवाओ, माल पुवे का भोग लगाओ, देवी जी को भोग है प्यारा, कारज करती पूरन सारा, देवी दर्शन का सुख पाओ, घर में मंगल कीर्तन गाओ, करो गुणगान जी। ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा की कथा। मैया का चौथा अनुराधा, माँ कुष्मांडा की जय हो। मैया का चौथा अनुराधा, माँ कुष्मांडा की जय हो। भक्तों, कुष्मांडा देवी जन जन को स्वास्थ्य ऊर्जा शक्ति से भरती हैं। कार्य के प्रति लगन लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाली ये देवी बड़ी महान है। जिसने सारे जगत को प्रकाशमान किया है, ऐसी जननी शक्ति स्वरूपा को हमारा नमन है। प्रथमे कीजे पावन पूजा, तब ही कीजे
सच्चा जोड़ो नाता, पथ ये स्वर्ग धाम को जाता। लगा ध्यान जी, ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुश मांडा की कथा। मैया का चौथा नुराता, माँ कुश मांडे की जय हो। मैया का चौथा नुराता, माँ कुश मांडे की जय हो। भक्तों, नवरात्रों में पूजी जाने वाली सभी देवियाँ भक्तों का मंगल करने वाली हैं। कुष्मांडा देवी ने सभी के मनोरथ पूर्ण किए हैं और उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा भक्तों के अनेकों अनेक कार्य पूर्ण किए हैं। एक और कथा सुनिए। दुख छाया एक बुढ़िया के घर, सुख से वंचित थी जीवन में नारी। वो तो नीर बहाती, अपनी व्यथा को किसको बताती। उसने कारज कई कराए, तंत्र मंत्र सिद्ध करवाए, बनाना काम जी। ऐसी है न्यारी ये कथा, कुष्मांडा की कथा। मैया का चौथा नुराता, माँ कुष्मांडे की जय हो। मैया का चौथा नुराता, माँ कुष्मांडे की जय हो। भक्तों, वह स्त्री बहुत दुखी थी, पति बच्चे सभी बीमार थे, जिसके कारण वह भी तनावग्रस्त रहती थी। फिर भी एक दिन अश्विनी मास के नवरात्रे आए। उसकी पड़ोसन ने उसे नवरात्रों की महिमा बताई और वो बहुत हैरान हुई। उसने पड़ोसन से सब जाना, मैया शक्ति जाना। व्रत साधे तब पूजा कीनी, माने मनचा पूरन कीनी। लगाया कुष्मांडा का ध्यान, हो गए कारज सब आसान, बन गए काम जी। ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा की कथा। भक्तों, जब उस स्त्री ने माँ के नवरात्रे रखे एवं व्रत का नियम से पालन किया, तब कुष्मांडा माँ ने उसके परिवार के समस्त रोगों को मूलतया नष्ट कर दिया और ऐसे ही अपने पुत्रों पर भक्तों पर कृपा लुटाती रहती है। यही तो है माँ के चमत्कार की कथा। माँ की कृपा से सब सुख पाया, बिगड़ा नसीबा माँ ने जगाया। माँ भक्तों पर जान लुटाती, बच्चों के सदा काम वो आती। महिमा जिसकी सदा महान, कारज कर देती आसान, करे सब काम जी। ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा।
भक्तों, ये थी कुष्मांडा देवी की कथा जो हमने बड़े प्रेम से आपको सुनाई। सचमुच माँ की महिमा बड़ी ही निराली है। ऐसी ममता मई माँ जो भक्तों के दुखड़ों का नाश करती है, हमें उन माँ की ममता पर गर्व है और उन्हें नमन करते हैं। कथा ये पावन जो भी सुनता, वर मुक्ति का दाती से पाता, चरणों का वंदन जो भी गाए, कुष्मांडा को शीश नवाए, उसका जीवन होए महान, बनते सारे उसके काम, करो गुणगान जी। ऐसी है न्यारी ये कथा, माँ कुष्मांडा की कथा। मैया का चौथा नुराता, माँ कुष्मांडा की जय।